विधानसभा चुनाव से पहले करैरा पुलिस के हत्थे चढ़ा अवैध हथियारों का तस्कर, 20 देशी कट्टे, 315 बोर की दो बंदूक समेत 2.5 लाख रुपए का माल बरामद। शिवपुरी जिले के करैरा थाना पुलिस को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस को मिली इस सफलता के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। देखिए क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने। सर, ये आज हथियारों का एक जखीरा करैरा पुलिस ने पकड़ा है, क्या ये पूरा मामला है, कहां से पकड़ा है और किस लिए हथियार लाए गए? ये रेहान रावत एक आरोपी जो लगातार अपराध घटित किया है, 13 अपराध हैं इन थानों में और ये उनके 3 स्थायी वारंट भी थे, उनकी तलाश की जा रही थी करैरा पुलिस द्वारा। इसमें ये पकड़ाया, उनके पास से पहले 315 बोर का एक कट्टा कुछ 2 राउंड मिले थे। इसे जो गहन पूछताछ किया गया, इसने बताया कि सदर में और 19 कट्टे और 2 राइफल रखे हैं। पुलिस वहाँ पर जाके जो है तलाश की तो उनके यहाँ से 19 कट्टे, देसी कट्टे और 2 बंदूक जो है मिले हैं वहाँ पे, और कारतूस भी जो है इनके 25 कारतूस भी इनके मिले। अच्छा, इतना बड़ा जखीरा उन्होंने क्यों रख रखा था? अब इनका ये बताया कि 1.5-2 हज़ार में खरीद के लाते हैं और 4,000-5,000 में मांगने पर ये बेचते हैं। जो आरोपी पकड़ा है 13 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं विभिन्न थानों में और शेष इनसे और पूछताछ की जा रही है। सर, जिले में आरोपी हैं कि और कहीं पर भी मध्य प्रदेश में कहीं और भी? नहीं, जिले के बाहर जतिया में भी इनका जो है अपराध भी है और द्वितीया खासकर भद्रवाह भी है, इस प्रकार से ये कुछ उस क्षेत्र में व्यक्त हुए। सर, जैसा कि अभी पुलिस ने एक पुलिस नोट दिया उसमें इस बात का उल्लेख है कि ये पिछले 10 साल से इस व्यापार को कर रहा है, तो ये अवैध हथियार कहाँ से लेके आता है, उसके कॉन्टेक्ट क्या हैं और क्या उन कॉन्टेक्ट तक पहुँचने का कोई प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें जो है अभी इसकी जो है रिमांड लेके पूछताछ की जाएगी इनके बारे में कि हथियार कहाँ से ला रहे हैं, कट्टे कहाँ से ला रहे हैं, कौन इनको कट्टा दिया है, कहाँ से सप्लाई इनको हुआ है, उस चेन को भी पकड़ा जाएगा। सर, ये किन लोगों को सप्लाई करने के लिए लाया था इतने का? क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, इतनी बड़ी तादाद में ये हथियार का जखीरा लेके आया था, तो क्या उसने प्रारंभिक पूछताछ में कुछ बताया है कि किन लोगों को ये हथियार सप्लाई करने वाला था? नहीं, ये सप्लाई तो ये कोई भी व्यक्ति इनके 4,000-5,000 जो इनको दे देता है वो सप्लाई कर देते हैं। सर, लगातार जिले में इस तरह के हथियारों के जखीरे आपने पकड़े हैं, तो सर क्या मानसिकता समझ में आती है कि लोग क्यों खरीदते हैं हथियारों को? अब तो ये हथियार का प्रचलन थोड़ा सा इस क्षेत्र में है, लोग हथियार के शौकीन रहते हैं, हथियार लेकर रखे रहते हैं, या कोई सुरक्षा की भावना हो या शौक की भावना हो, इस प्रकार से रखे रहते हैं। क्या सर युवा में सर हथियारों का चलन बढ़ रहा है क्या सर, हथियार रखने का सर, अवैध हथियार? ऐसा नहीं कर सकते युवा में, क्योंकि हथियारों का जो है इस क्षेत्र में ऐसे हथियार अवैध हथियार पहले भी पकड़े जाते हैं, तो अभी अभी सर की बात नहीं कर सकते। लेकिन सर अभी सर पुलिस ने सर तीसरी या चौथी खेप पकड़ी है सर, जो बड़ी खेप है सर। हाँ, अभी एक तो सघन चेकिंग भी अभी चल रही है लगातार अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए जो है, क्योंकि चुनाव आने वाले चुनाव देखते हुए तो सर ज़्यादा पुलिस जो है सक्रिय भी है, इस हिसाब से भी पकड़ी जाएगी।